एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि याजी ने जीशु को सब कुछ सच बता दिया था कि अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है, जिससे जीशु भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे पूछता है कि अब सब कुछ ठीक कैसे होगा। जिस पे याजी कहती है कि शायद सब ठीक तब होगा जब कॉमिक बुक वर्ल्ड में भी सब ठीक हो जाए, जैसे जिनिंग एंड यूले अपने लाइफ में खुश हो जाए। जिस पे जीशु कहता है कि जिनिंग को खुश करने की जिम्मेदारी तो मैं मेरे सर लेता हूँ, जैसे ही वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आएगी वो खुश हो जाएगी। याजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जीशु उसकी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। उसके बाद यांजी जाती है और देखती है कि जिनिंग शूटिंग कर रही है। जीशु उसकी हेल्प करने जाता है लेकिन यांजी पहले चली जाती है और जिनिंग भी यांजी की हेल्प लेती है। फिर दोनों ही जिनिंग के पास खाना लेके जाते हैं लेकिन जिनिंग तो यांजी का लाया हुआ ही खाना खाती है, जिससे जीशु को थोड़ा बुरा लगता है। अब जीशु यांजी को चिढ़ाने के लिए सभी के लिए खाना लेके आया था ताकि उसके हाथ का खाना जिनिंग भी खा सके। अब ये सब देख के यांजी को भी गुस्सा आता है, जिससे वो यूले को मैसेज करके बताती है कि यहाँ पे जीशु क्या क्या कर रहा है, इसीलिए जल्दी से वो उसे जिनिंग के पास आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यांजी जिनिंग एंड जीशु बातें कर रहे हैं, जहाँ पे जीशु अभी भी जिनिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे यूले आ जाता है। यूले आता है एंड जिनिंग से बात करने लगता है, लेकिन तभी जीशु कहता है कि मैं जिनिंग के लिए खाना लेके आया हूँ। यूले कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जब जिनिंग रात को शूटिंग करती है तो वो खाना नहीं खाती है। ये देख के यांजी जीशु के हाथ से खाना ले लेती है। अब जिनिंग किसी काम से साइड में जाती है तो यूले जीशु से कहता है कि तुम इतना ज्यादा जिनिंग के साथ क्लोज हो रहे हो, क्या इस बात का यांजी को बुरा नहीं लगेगा? जिस पर वो कहता है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। यही रियल वर्ल्ड में हम देख रहे थे कि जो रियल का जीशु था वो कैसे भी करके शानहंग का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शानहंग ने वेबसाइट को इतने प्राइवेटली सेव करके रखा था कि वो वेबसाइट हैक नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ हम शानहंग को देखते हैं जो कि एक दूसरी ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। अब यहाँ पर जीशु को पता चल जाता है कि शानहंग कहाँ है, इसीलिए जीशु और उसके सारे फ्रेंड्स शानहंग की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे कॉमिक बुक वर्ल्ड में हम यांजी को देखते हैं जो कि एक रूम में कुछ सामान लेने गई है, जहाँ पर वो देखती है कि हेयर कलर से आग लग रही है। वो उसे ठीक करके जाने लगती है लेकिन तभी रूम में आग लग जाती है। वो फोन करके किसी को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वो एक ब्लैक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसकी सारी मेमोरीज उसे दिखाई देती हैं। यहाँ पे हम शानहंग को भी देखते हैं जो कि ये सब करके बहुत खुश हो रहा था। तभी जीशु एंड उसके फ्रेंड शानहंग जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ आ जाते हैं। जीशु शानहंग से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जहाँ पे शानहंग बताता है कि अब तुम कुछ भी कर लो यांजी वापस नहीं आ सकती है, जिससे जीशु शानहंग को मारने लगता है और जीशु का फ्रेंड वेबसाइट हैक करने की कोशिश करता है। शानहंग कहता है कि तुम कुछ भी कर लो अब वेबसाइट हैक नहीं हो पाएगी, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि वेबसाइट हैक हो जाएगी, जल्दी से सब काम करने लगते हैं। यहाँ पे हम यांजी को देखते हैं जो कि उस ब्लैक रूम में थी। तभी उसे एक डोर दिखाई देता है और अचानक से वो गिरने लगती है। जब उसे होश आता है तो वो कॉमिक बुक वर्ल्ड में होती है। तभी उसे जीशु का भी कॉल आता है, वो भी कॉमिक बुक वर्ल्ड में आ गया था, लेकिन तभी पीछे से शानहंग आके यांजी को मारता है, जिससे वो गिर जाती है और वो फोन लेके जीशु से कहता है कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब मैं यांजी को नहीं छोड़ूंगा। जीशु से कहता है कि तुम उसे इस तरह हर्ट नहीं कर सकते हो। फोन कट करने के बाद शानहंग यांजी से कहता है कि अब तुम कॉमिक बुक वर्ल्ड का ही पार्ट बनने वाली हो, इसलिए तुम्हारे वुंड्स भी जल्दी हील नहीं होंगे। उसके बाद वो यांजी को वहां से ले जाता है और एक बोट पे उसे बांध के लिटा देता है। यांजी को होश आता है और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। तभी शानहंग उसे पानी में डुबाने वाला होता है लेकिन जीशु भी वहां आ जाता है। जीशु को वहां देखकर शानहंग उसे नहीं डुबाता है और जीशु से कहता है कि अब तुम कुछ भी कर लो, तुम दोनों यहां से बच के नहीं जा पाओगे, और वहां से गायब हो जाता है। तभी जीशु यांजी के पास आता है और उसका मुंह खोलता है। यांजी उसे देख के खुश होती है क्योंकि जीशु भी इस वर्ल्ड में आ गया था। अब उसके बाद जीशु यांजी को लेके वहां से जाने लगता है, लेकिन धीमे धीमे करके सारी स्टोरी पीछे जाने लगती है और हम देखते हैं कि यांजी उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे यूले का एक्सीडेंट होने वाला था। वो वहां पे जिनिंग और जीतियान को बातें करते हुए देखती है। तभी यूले का एक्सीडेंट होने वाला था, तभी उसे याद आता है कि जीशु ने कहा था कि कॉमिक बुक वर्ल्ड के रूल्स वो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बाहर से किसी पर्सन को चेंज करने पड़ेंगे। तभी यांजी देखती है कि यूले का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन जीतियान आती है यूले को बचा लेती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब कुछ देख के यांजी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूले जीतियान के साथ हॉस्पिटल में जिनिंग बाहर खड़ी हुई है, जहाँ पर जीशु एंड यांजी आते हैं। यांजी जिनिंग से सॉरी कहती है। जिनिंग कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इतनी टेंशन मत लो, जीतियान को ज्यादा चोट नहीं आई है, वो कुछ टाइम में ही ठीक हो जाएगी। जिस पर यांजी पूछती है कि अब तुम्हारा इन यूले का क्या होगा, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि अभी हमारा क्या होगा, जिससे यांजी अपसेट होती है। लेकिन जीशु यांजी को लेके वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनिंग एंड यूले बात कर रहे हैं, जहाँ पे जिनिंग यूले से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, तुम्हें किसी ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जो तुम्हें हर टाइम पे सपोर्ट कर पाए। जिस पर यूले उससे ब्रेकअप करने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी जिनिंग ब्रेकअप कर लेती है। अब जिनिंग अपने करियर में आगे बढ़ती है, जहाँ पर जीशु एंड यांजी उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हम यूले को भी देखते हैं, जिसे एक बैक टू बैक मूवीज भी मिलती जाती हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिनिंग ने उनका ब्रेकअप पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। अब एक शो में जिनिंग गई हुई थी, जहाँ पर उसे इंटरव्यू में पूछा जाता है
क्या उस काइन यूले का रियल में ब्रेकअप हो चुका है या वो दोनों डेट करने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। इन सब चीजों से जेनिंग थोड़ी सी अपसेट होती है। तभी वहाँ पे यूले आ जाता है और सबसे कहता है कि हमने रियल में ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, जिससे सभी उसकी बात पे अग्री करते हैं। अब इवेंट के बाद दोनों चल के जा रहे थे और दोनों कहते हैं कि हम जब तक साथ में थे तब तक हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हमें एक दूसरे की लाइफ पे फोकस करे बिना अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि कॉमिक बुक वर्ल्ड में सब ठीक होने लगता है, जैसे कि फांग एंड जियांग डेट कर रहे हैं और जीतियान एक डांस स्टूडियो चलाती है और बच्चों को डांस सिखाती है। जेनिंग एंड यूले अपनी अपनी लाइफ में खुश है। अब हम देखते हैं कि यहीं पे कॉमिक का एंड हो जाता है। जब जीशु रियल वर्ल्ड में आता है तो उसे पता चलता है कि यांजी भी यहाँ आ चुकी है। वो जल्दी से घर पहुंचता है और यांजी को वहाँ देख के खुश होता है। यांजी उसे देख के रोने लगती है और कहती है कि तुम वहाँ से चले गए थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अब जीशु यांजी को अपने पास देख के बहुत खुश होता है। फिर यांजी साइड में जाके बैठ जाती है। उसके बाद जीशु उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ पे यांजी उसके साथ बहुत ही खुश होती है और उसे क्यूट क्यूट नाम से बुलाती है, जिस पे जीशु उसे कहता है कि तुम घर जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा, जिससे वो हाँ करती है। जब यांजी जा रही थी तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, वो जो कि और कोई नहीं बल्कि शानंग था। तभी यांजी के पीछे चिंगचिंग आ जाती है, जो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। यहाँ पर जीशु जब घर आता है तो उसे यांजी की याद आती है, जिससे वो यांजी को मैसेज करके कल डेट पे बुलाता है। यांजी अलग अलग कपड़े ट्राई करती है एंड डेट पे जाने के लिए बहुत ही खुश होती है। अब नेक्स्ट डे जब ऑफिस के बाद यांजी जीशु से मिलने जाती है तो जीशु उसे टीज करता है, लेकिन यांजी कहती है कि तुम मुझे टीज मत करो। फिर यांजी उससे शानंग के बारे में पूछती है, जिससे जीशु कहता है कि पुलिस जल्दी ही उसे पकड़ लेगी। अब दोनों आगे जाते हैं एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब जीशु यांजी को घर लेके आता है तो उसने वहाँ पे बहुत सारे बलून्स लगाए थे और उस पर विश पेपर भी लगाया था। तभी यांजी को याद आता है कि उसने जो कॉलेज में विश पेपर बनाया था वो दरअसल में जीशु को ही मिला था, जिससे दोनों बहुत ही खुश होते हैं एंड जीशु यांजी को किस भी करता है। फिर दोनों हग करते हैं और उसके बाद दोनों रात को फाउंटेन पे घूमने जाते हैं, जहाँ पे दोनों एंजॉय कर रहे थे। तभी जीशु की नजर शानंग पे पड़ती है। अब वो नहीं चाहता था कि शानंग यांजी को हार्म कर सके, जिससे वो यांजी को लेके वहाँ से जाने लगता है। वो यांजी को भी शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो यांजी को आइसक्रीम लेने के लिए दूसरी शॉप पे जाने के लिए कहता है। जब यांजी वहाँ से जाती है जब यांजी शॉप पे जाती है तो जीशु शानंग देखना बंद हो जाता है। तब जब यांजी वहाँ से आ रही थी तो शानंग ने यांजी को स्टैब कर दिया था, जिससे जीशु जल्दी से भाग के यांजी के पास जाता है। तब लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब तो जीशु का एक ड्रीम था। फिर वो यांजी को कॉल करता है, लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जीशु के घर पे लेन आई है। जीशु से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिससे वो कहती है कि क्या मैं अपने फ्रेंड से मिलने नहीं आ सकती हूँ, जिससे जीशु कहता है कि आ सकती हूँ। वो कहती है कि भले ही हम एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन आई थिंक हमें पास्ट पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, जिस पे जीशु भी अग्री करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांजी जब जीशु से मिलने जाती है तो वो देखती है कि लिन एंड जीशु साथ में बात कर रहे हैं। यांजी को लगता है दोनों काम की बात कर रहे हैं, इसलिए वो साइड में जाने की कोशिश करती है, लेकिन जीशु यांजी से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। यांजी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तभी बाहर हम शानंग को देखते हैं। यांजी जीशु से कहती है कि हम इस तरह ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीशु उसकी कोई भी बात सुने बिना बाहर जाने लगता है। यांजी रोते रोते उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि तुम भला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जीशु कहता है कि भले हम दोनों क्लोज आ गए थे, लेकिन अब मैं और लिन वापस कपल हो चुके हैं, इसलिए मुझे मेरी लाइफ में तुम्हारी जरूरत नहीं है। यांजी इन सबसे रोती है। लिन भी यांजी को जीशु से दूर रहने के लिए कह देती है। वहीं पर हम शानंग को देखते हैं, जो कि अपने एंड लिन के मूवमेंट्स याद करता है, जिससे उसे जीशु पे तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। रात को यांजी एंड जिनिंग ड्रिंक पे गए हुए थे, जहाँ पे यांजी जीशु के लिए बहुत ही रोती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जीशु ने इस तरह उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो रोकर घर पहुंचती है, वो ड्रंक होकर एंड रोके घर पहुंचती है, जहाँ पे जिनजिंग उसे सुलाती है। यांजी बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, जिससे नेक्स्ट डे जिनजिंग उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे जीशु एंड लिन बैठे हुए थे, और वो जाते ही जीशु पे गुस्सा करने लगती है कि उसे रोकने की कोशिश करता है। लिन उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जीशु को मेरे साथ रहना है और हम दोनों डेट कर रहे हैं। शानंग एंड यांजी भी ये सब चीजें देख रही थी। लिन जीशु से कहती है कि तुम यांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो उसे मारने जाती है, लेकिन कियू उसे रोकता है एंड वो खुद ही जीशु को मारने लगता है। जीशु कहता है कि तुम्हें जितना मुझे मारना है मार लो, लेकिन मैं यांजी से प्यार नहीं करता हूँ तो मैं उसके साथ भला क्यों रहूं। यांजी ये सब कुछ सुनती है। फिर वो जीशु के पास आके उसका सामान देती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है, और ऐसा कहकर अपने फ्रेंड्स को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम जीशु एंड लिन को देखते हैं, जो कि वहां से जा रहे थे। तभी शानंग जीशु के पीछे आता है और उसके सर पे कुछ मार देता है, जिससे जीशु भी होश हो जाता है। लिन जब जीशु का वेट कर रही थी तभी वो देखती है कि शानंग उसे लेके कहीं जा रहा है। जब वो कार के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि जीशु का सारा सामान नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पे हम यांजी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो कहती है कि जब भी जीशु एंग्शियस होता है तब वो अपने हाथ को बहुत जोर से बंद कर लेता है और वो बहुत ही टेंस में आ जाता है, और मुझे लगता है कि अभी भी उसकी हालत वही है। तभी वो दोनों देखते हैं कि लिन का कॉल आ रहा है, वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन बार बार उसके कॉल करने पे वो दोनों उससे मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि मैं जीशु डेट नहीं कर रहे हैं, हमने ये सब कुछ नाटक किया ताकि शानंग बाहर आ सके।
करके, और मुझे लगता है कि शान हंग जीशु को लेके अपने साथ चला गया है, जिससे दोनों ही उसके फोन की लोकेशन फाइंड करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जीशु कहाँ है। यांजी जल्दी से वहां जाने लगती है। यहाँ पे जीशु बेहोश था, जब उसे होश आता है तो उसके सामने शान हंग था। शान हंग उसे देख के हंसता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमेशा कॉलेज में सभी जीशु एंड शान हंग को कंपेयर करते थे, क्योंकि जीशु शान हंग से हर चीज में अच्छा था, इसीलिए वो हमेशा जीशु से जलता था। और इसके बाद वो जीशु को मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम हर चीज में मुझसे अच्छे थे और हमेशा तुम मेरे साथ ऐसा करते थे। जहाँ पे जीशु कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि फैन फिक्शन में दरअसल में यांजी ही लिख रही है। यहाँ शान हंग कहता है कि जब मैंने फैन फिक्शन वेबसाइट क्रिएट करी थी तो यांजी वो फर्स्ट पर्सन थी जिसने उसमें लॉग इन किया था, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी लाइफ पर बात कर दूंगा और मैंने कॉमिक बुक वर्ल्ड क्रिएट किया। उसके बाद जीशु एंड शान हंग की लड़ाई होने लगती है, और तभी इसी लड़ाई के बीच में शान हंग एक पोर्टल क्रिएट करता है और कहता है कि अब मैं इसमें गिर जाऊंगा क्योंकि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और ऐसा कहकर कूद जाता है। जीशु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस वर्ल्ड में भी प्यार मिल सकता है। शान हंग कहता है कि किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, जिस पे जीशु कहता है कि लिन अभी भी तुमसे प्यार करती है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां पे यांजी भी आ जाती है, लेकिन जीशु शान हंग को रोक नहीं पाता। इन दोनों ही उस पोर्टल में गिर जाते हैं, जिससे यांजी जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जीशु को होश आता है, तभी वो उस ब्लैक रूम में था और उसके सामने शान हंग था। शान हंग के हाथ में एक रिमोट था जिससे वो कहता है कि ये बटन दबाते ही रियल वर्ल्ड या कॉमिक बुक वर्ल्ड दोनों में से एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम किसी एक वर्ल्ड में ही रहना चूज कर सकते हो, और ऐसा कह के वो बटन दबाने जाता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक मंथ बीत चुका है। यांजी अपनी लाइफ जी रही है और रेगुलर जो काम करती थी वो कर रही है। वो अपने काम अपने ऑफिस में सब जगह बिजी है, लेकिन अभी भी उसे जीशु की याद आती है। वो उसके घर भी जाती है और उसका सामान देख के जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और वहां पर भी उसे जीशु की बहुत याद आती है। वो कभी भी जीशु को नहीं भूल पा रही थी। अब उसके बाद लिन जीशु के घर आती है, जहाँ पर दोनों ही जीशु के बारे में बात करते हैं। लिन कहती है कि मुझे भी जीशु की याद आ रही थी, इसलिए मैं देखने आई थी कि वो आया है कि नहीं। यांजी उसके जाने के बाद अपसेट होती है। अब नेक्स्ट डे जब यांजी जा रही थी तभी बारिश होने लगती है और उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है। जब वो भीग रही थी तभी जीशु आके उसे प्रोटेक्ट करता है। यांजी उसे देखती है, उसे हग करती है और रोने लगती है। उसके बाद जीशु यांजी को घर लेके आता है। यांजी कपड़े चेंज करके जब बाहर आती है तो उसे जीशु नहीं दिखता है, जिससे वो थोड़ी सी घबरा जाती है। जैसे ही उसे जीशु दिखता है वो उसे हग करती है। जीशु उसे कहता है कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यांजी उसे कहती है कि तुम शान हंग कहां चले गए थे, जिससे वो बताता है कि हम दोनों ब्लैक रूम में थे, जहां पे शान हंग ये वर्ल्ड या कॉमिक बुक वर्ल्ड दोनों में से कोई एक डिस्ट्रॉय करने वाला था और मैं उसे रोकना चाहता था, क्योंकि अगर एक भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता तो वहां के लोग मर जाते। शान हंग इस वर्ल्ड में कभी वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बहुत मनाया, जिससे उसने कोई भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं करे और इसी वर्ल्ड में वापस आ गया, क्योंकि वो भी दरअसल में लिन से प्यार करता था। यहाँ पे हम शान हंग को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस कर रहा था। दूसरी तरफ जीशु एंड यांजी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे एंड एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां पे जीशु के पेरेंट्स आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड के जीशु के पेरेंट्स बहुत ही हम्बल थे और वो यांजी को मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। इवन वो जीशु के लिए भी खुश थे कि उसे फाइनली एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, लेकिन जीशु अभी भी उनकी तरफ बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है, जिससे उसके पेरेंट्स वहां से जाने लगते हैं। यांजी जाके उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि जीशु ऐसा बिहेव इसलिए करता है क्योंकि उससे लगता है कि आप दोनों से हेट करते हो, जिससे वो पूछते हैं कि भला हम अपने बेटे को हेट क्यों करेंगे। यांजी कहती है क्योंकि फी की डेथ हो गई थी, ये बात मुझे जीशु ने बता दी थी और उसे लगता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से आप दोनों से हेट करते हो, जिस पर दोनों कहते हैं कि हम अपने बेटे को कभी हेट नहीं कर सकते हैं, तुम हमेशा उसका साथ देना और उसे समझाना कि वो बहुत अच्छा है। रात को हम देखते हैं कि यांजी एंड जीशु साथ में बैठे हुए हैं और दोनों ने ही वहां पे अपने पिक्चर्स लगाई हैं। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ रोने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जीशु कियू के पास गया है एंड यांजी जिनजिन के पास गई है एंड दोनों ही अपने रिलेशनशिप के बारे में उन दोनों से बताते हैं, एडवाइस लेते हैं। यांजी फिर रात को जीशु के घर जाती है और फ्लावर्स लेके गई थी। फिर वो जीशु के पास फ्लावर्स रखती है, लेकिन वो उसे वहां रखने से मना कर देता है, जिससे यांजी गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। रात को यांजी देर तक बैठ के काम कर रही थी। यांजी अब अपनी खुद की नॉवल लिखने वाली थी। जीशु आ जाता है, जिससे यांजी एम्बैरस फील करती है। फिर जीशु से कहता है कि चलो हम दोनों सो जाते हैं और दोनों ही फिर बेडरूम में जाते हैं। यांजी अपसेट थी, इसलिए जीशु से सॉरी कहता है और कहता है कि आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, जिससे यांजी खुश होती है। फिर दोनों किस करते हैं, खुश होते हैं। नेक्स्ट डे यांजी जाती है और अपने मैनेजर को अपनी नॉवल दिखाती है, जिससे उसकी नॉवल भी अप्रूव हो जाती है। उसके बाद यांजी जीशु से मिलने जाती है। जीशु से कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों आई। यांजी कहती है कि कहीं तुम चले जाते तो। जीशु कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर यांजी उसे अपनी कॉमिक दिखाती है। जीशु उसके लिए बहुत ही प्राउड फील करता है। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि लाइफ ऐसी ही होती है, कौन से मोड पे क्या हो जाए हमें नहीं पता चलता, इसीलिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिनिंग एंड यूले वापस से फ्रेंड्स हो चुके हैं। जीतियान भी अपनी लाइफ में बहुत
खुश है और यहाँ पर फानहंग एंड जियांग भी डेट कर रहे हैं। अब इसी के साथ ही शो यहीं पर एंड हो जाता है। न्यू सीरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।